अखनूर मुठभेड़, सेना की बड़ी जीत, 3 दिन चलती आई कार्रवाई में 3 आतंकवादी ढेर। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रिब्यून न्यूज 20.07। नाउ आपके साथ सुकृति सलाथी। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में सुरक्षा बलों ने 3 दिन चली मुठभेड़ के बाद 3 आतंकवादियों को मार गिराया। ये मुठभेड़ सोमवार को उस समय शुरू हुई जब आतंकवादियों ने नियंत्रण रेखा के पास सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया था। सेना की एम्बुलेंस पर हुए इस हमले के जवाब में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ा। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के छिपने के स्थानों पर पता लगाने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया, जिसमें ड्रोन और हेलीकॉप्टर शामिल थे। सेना ने पहली बार इस ऑपरेशन में BMP 2 पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों को भी तैनात किया, ताकि आतंकियों के ठिकानों को घेर कर उन पर प्रहार किया जा सके। 3 आतंकियों में से एक को सोमवार शाम को मार गिराया गया था, जबकि बाकी 2 आतंकियों को मंगलवार सुबह हुई अंतिम हमले में ढेर कर दिया गया। इस ऑपरेशन में सेना के बहादुर कुत्ते फैम्पटन की भी गोली लगने से मौत हो गई, जो आतंकियों की खोजबीन में शामिल था। अधिकारियों ने बताया कि आतंकियों ने एक बंद क्षेत्र के पास मंदिर के पास शरण ले रखी थी। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच भीषण गोलाबारी हुई, जिनमें दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग किए गए। सुरक्षा बलों ने इलाके को पूरी तरह से घेर लिया था, जिससे आतंकियों के बच निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। सुरक्षा बलों की इस कामयाबी से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल खत्म हो गया है और लोगों ने राहत की सांस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 20.27।